दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओम शांति। आज की जो टाइटल है मुरली का, परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। भगवान ने कहते हैं ना, भगवान ने पहले क्या रचा होगा। बाबा परमात्मा आज खुद बता रहे हैं, परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? संगम युग के ब्राह्मण। दिलाराम बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति बोले। ये मुरली की डेट है 3 मई 1984। आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। पूरा ब्राह्मण परमात्मा की उस बीज की, बाबा कई बारी ठीक है स्वयं को बीज से, हाँ बीज से कंपेयर करते हैं ना। तो बाबा कहते, मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, सोचो ये पूरा ब्राह्मण एक एक ट्री है, एक झाड़ है, तो मैं उसका बीज हूं जिसमें से ये सब निकला है। तो बाबा कहते, मैंने इस पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की रचना की है, लेकिन मेरी सबसे पहली रचना, और जो पहली रचना होती है वो सबसे ब्यूटीफुल होती है, स्पेशल होती है, श्रेष्ठ होती है। तो सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से रचयिता को प्रिय हो। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब आत्माओं को भगवान प्यार नहीं करते, दैट इट डज नॉट मीन दैट, बट इट मीन्स कि हमारा पार्ट इस पूरे मनुष्य सृष्टि, ठीक है, जैसे अगर फिर से हम ट्री का एग्जाम्पल लें, तो पूरे ट्री में जो ट्रंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो ट्रंक है, ट्रंक को कहेंगे थुर, जो उस जिसने उस पर सारी डाल टालियां, पत्ते, फल फूल सब उस पर लगे हुए हैं। अगर वो ही ना हो, ठीक है, तो कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। तो बाबा कहते, अगर मैं बीज हूं ना, तो तुम वो ट्रंक हो, वो थुर हो, सबसे स्पेशल हो, सबसे महान हो। और सबसे प्रिय क्यों हो? क्योंकि सबसे क्लोज है। हमने संगम पर परमात्मा को, इस पूरी रचना को, ज्ञान को इतना गहराई से डीपली समझा है। जितना जितना कहते हैं ना लौकिक रीति में भी, जो बच्चा जितना समझदार होता है ना, वो माँ बाप को उतना प्रिय होता है। तो उस हिसाब से बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम सबसे प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे से ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हो, क्योंकि देवताओं बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो देवता हैं, उनको ये भी नहीं पता, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनको मास्टर नॉलेजफुल का टाइटल नहीं मिल सकता, वो केवल हम ब्राह्मण आत्माओं को ही मिलता है। तो बाबा कहते, देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं तुम हो, और ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। देखो कितने धर्मों में फरिश्तों की बात होती है, आपको पता है, ठीक है। जब भी कोई ईसाई धर्म में भी बीमार होता है ना, तो कहते हैं कि एंजल्स विल कम और हील। और आपको पता है, उस दिन मैं कहीं तो सुन रही थी, पूरा क्रिश्चियन धर्म में इतने, अगर आप स्टडी करोगे ना, इतने तरह तरह के एंजल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतने नाम हैं, उन पर किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये हीलिंग का एंजल है, ठीक है, ये जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इतने एंजल्स। वो एंजल्स कौन है, कब थे, कहाँ थे? वो हम हैं, हम जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरी आत्माओं के, है ना। बाबा भी कहते हैं ना, मुझे क्यों प्रिय हो तुम, क्योंकि
क्योंकि तुमने सेवा को ही जीवन माना। ठीक है, तो एंजल, अब ये सेवा मतलब ये नहीं कि मुझे किसी का कल्याण, सेवा का रियल मीनिंग भी हमने समझा। आप लोगों को पता है कल की मुरली में, साकार मुरली में देखते हैं किसने कैच किया, बाबा ने मरने का अर्थ समझाया था। मरना अर्थात किसको याद है? कल की साकार मुरली में आप हैंड रेस कर सकते हो, या आप मुझे बता सकते हो, चैट पे लिख सकते हो, या मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कैच करने वाला। मरना अर्थात ब्राह्मण लाइफ में मरने का अर्थ बाबा ने बताया कल की साकार मुरली में। किसने कैच किया? किसी ने कैच किया? बहुत ही ब्यूटीफुल था, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने कैच किया होगा। मरना, कल सबने साकार मुरली पढ़ी थी ना, किसी ने मिस तो नहीं की थी? वेरी गुड सुषमा जी, वेरी गुड। यस, कल बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए कहा मरना अर्थात अवस्था का गिरना। अगर आपकी स्थिति कम होती है, बाबा कहते इसका इतना इम्पोर्टेंस, इतनी इम्पोर्टेंस दी है। और हम अभी मधुबन थे ना, तो हम कुछ दिन पांडव भवन भी थे, तो सचिन भाई जी से ना इंटरेक्शन हुआ, कुछ बात हुई। तो सचिन भाई जी ने हमें ये कहा कि जो सेवा आपकी स्वस्थिति में थोड़ा सा भी हलचल या लाए, उस सेवा को छोड़ दो, है ना। जैसे हम ऐसे उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा होता है भाई जी कि, और ऐसा होता भी है कि हम किसी को कभी कोर्स करवाते हैं, ठीक है, तो वो आत्माएं हमसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम जब कभी जाते हैं वहां उस सेंटर से, या फिर कभी मधुबन के लिए या फिर दूसरे से, तो वो आत्माएं आना बंद कर देती हैं, डायरेक्ट हमसे कनेक्शन रखते हैं। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ कमी है या क्या है, तो हम ऐसे सचिन भाई जी से डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप ये सेवा करना ही छोड़ दो। कहते आपको आपकी, मतलब उनका कहने का भाव ये था कि कोई आता है, कोई करता है, नहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो बाबा की है, बाबा ने निमित्त। या वो कहते आप 2 दिन कोर्स करवाओ, तीसरे दिन किसी और बहन को दे दो, कोई और बहन करवाए। मतलब स्थिति, ब्राह्मण लाइफ में सबसे बड़ी सेवा है अपनी स्थिति को। कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, नो मैटर वॉट। तो वो कह रहे थे अगर ऐसा आपको लग रहा है ना, आप बिल्कुल वो इतनी तरह की सेवा है, कोई और सेवा करो, आप वो सेवा ही छोड़ दो। कहने का भाव ये है कि हमें ये नहीं सोचना अरे ये आत्मा तो मेरे कारण चल रही है, अरे इस आत्मा को तो मैंने ज्ञान दिया। नहीं, देने वाला चलाने वाला वो है, हम कुछ भी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्राह्मण लाइफ में है मेरी स्थिति। कोई भी सेवा जो आपकी स्थिति को डिस्टर्ब कर रही है, लीव दैट, नथिंग। मतलब कहने का भाव है हमारी शांति, हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी, बाबा इसको सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं, इससे इम्पोर्टेंट बाबा कहते कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है आप स्टेबल रहकर वो सेवा कर सकते हो, जरूर करो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको इफेक्ट नहीं करती है, बहुत अच्छा है, जरूर करो। बट अपनी स्थिति की कॉस्ट पे कोई सेवा नहीं करनी है। तो बाबा कहते ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है, और इससे ब्यूटीफुल जीवन सच कह रहे हैं
नहीं होगा। 84 बर्ड्स में इससे ब्यूटीफुल बर्ड हो ही नहीं सकता। अभी तो मैं आपको गारंटी में है ना, मुझे आपका तो नहीं पता, बट मैं अपने, मुझे नहीं याद है मेरे 84 बर्ड्स, लेकिन मैं बिना याद के, ठीक है, अभी गारंटी लिख कर दे सकती हूँ कि इस जन्म से ब्यूटीफुल जन्म और कोई जन्म नहीं था मेरा 84 जन्मों से। क्योंकि जो आत्मा को मिल रहा है, जो प्राप्तियां हो रही है ना, इतनी, इतना भाग्य और भगवान, इतना नशा। आज भी बाबा ने क्या कहा, आज पूरी मुरली में क्या कहा, नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। कल भी कहा, तुम्हारी तो हर रोज की दिवाली है। सच में ऐसा फील होता है, इस जन्म से बेहतर जन्म, इस जन्म से महान जन्म, इस जन्म से श्रेष्ठ जन्म कोई और नहीं। चाहे हम महलों में रहे हो, चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं, है ना, जो अब हमारी मन की स्थिति, जो हमारी अब अति इंद्रिय सुख के झूले में, जो मधुबन का सुख, जो मुरली का सुख, जो ब्राह्मण, वो और किसी जन्म में मिल ही नहीं सकता। ये अपने लिए तो मैं गारंटी, मुझे पता है, बिना जाने, बिना पास लाइफ जाने, मुझे पता है कि इस जन्म से ज्यादा सुखदायी। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, या उसकी बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे। हो सकता है बाकी जन्मों में हो नहीं सकता, इनफैक्ट ऐसा ही होगा कि क्योंकि हमारी उतरती कला है ना, तो बाकी सब जन्म, ठीक है, बाहर के उससे तो ज्यादा होंगे, लेकिन अभी जो हमें परमात्मा मिलते हैं, ठीक है, वो जो हमें सुख मिला है, उसका कंपैरिजन जीवन के, संसार के किसी भी प्राप्ति से कभी कर ही नहीं सकते। जिस किसी आत्मा ने वो परमात्म सुख को कुछ पल के लिए भी अनुभव किया है ना, उसको फिर संसार के सभी सुख फीके लगते हैं। फिर उसको उसको इतनी आदत पड़ जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, बाहर की चीजों की एडिक्शन होती है, वैसे ही परमात्मा सुख की एक एडिक्शन हो जाती है। वो हमारे साथ फिर सारे जन्म, उसकी मेमोरी, उसका इम्प्रिंट ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना, वो हमेशा हर जन्म में रहता है। तो बाबा कहते, आदि संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। हम कौन हैं? आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग वाले, संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। देखो, तीनों सारे कालों को जानते हैं, पास प्रेजेंट फ्यूचर, सबको, सब परमात्मा ने बता दिया। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव, परमात्म अविनाशी खजानों का अधिकार, साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही ये गीत है, हमने देखा हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। साकार में जो हमने पाया है, वो कैसे जुबान, कैसे एक्सप्रेस करे, कर ही नहीं सकते, कितना भी ट्राई करे। वो जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख है, वो तो हर एक ब्राह्मण आत्मा जिसने वो सुख भोगा है वही जानता है। ये देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना चलना बोलना सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना सही में। और सच में जैसे जैसे ज्ञान की गहराई समझ में आती है ना, अभी ऐसे लगता है बाबा साथ ही तो है, दादियां साथ ही तो है, लगता ही नहीं कि, ऐसे लगता है उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, उनके साथ त्योहार मना रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं। तो ये अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, ये श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का ही है।
और किसी जन्म में ये भाग्य नहीं मिलता। ब्राह्मण ही कहते हैं, हमने भगवान को बाप के रूप में देखा। देखा माना आत्मा ने अनुभव किया, वो सुख, वो संबंध, वो प्राप्तियां ली। माता, सखा, बंधु, साजन के स्वरूप में देखा, जो ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, आचार्य, शास्त्री सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी ही रह गए। कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, इस इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाप अब मिल गया। हमें पता, सच में ऐसा कल परसों ही पता नहीं किसी को कह रहे थे कि अब कोई है ना, अब लाइफ में कोई बहुत बड़ा भी सामने पेपर दिखाई दे रहा हो ना, और होते भी है, दिखते भी है, लेकिन उनको जानते हुए भी ना, आत्मा के अंदर एक आंतरिक सुकून, ऐसे जो पाना था सो पा लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, कुछ भी, लेकिन वो नहीं जा सकता। वो जो मुझे मिला है ना, वो दुनिया की कोई भी चीज मुझसे ले नहीं सकती। तो सच में आता है कि बस अब क्या मांगू, क्या चाहिए, संकल्प से पहले ही सब कुछ वो मिल गया। उसने जैसे हमें अपना बना लिया, और लगता है कि, लगता क्या मतलब, पता है कि वो हमारी पालना कर रहा है, उसकी गोद में हम बैठकर हर श्वास, हर घड़ी, हर जीवन कोई फिक्र नहीं। जैसे कई भाई लोग हमारे सेंटर के, वो ऐसे मजाक करेंगे, वो कहेंगे आपको तो कोई, आप तो एकदम बेफिक्र है ना। तो कहने का भाव ये है कि अब वो चेहरे से, वो चलन से भी पता चलता है, अब पुरुषार्थ का भी वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। अब ऐसा है कि बाबा साथ है, बस जिसको ढूंढ रहे थे इतने जन्मों से, है ना। जैसे हम मधुबन गए थे ना, वहां पे एक बहन मिले, बचपन से, 90s से, बॉम्बे से थे, ठीक है, प्रोफेशनल है, शी इज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, सॉरी। तो बच बहुत मतलब, वो जैसे उनकी पूरी परिवार भी छोटे से जब थे ना, तब से आ रहे हैं मधुबन। तो वो कह रहे थे कि उनकी रिसेंटली उनके लौकिक फादर ने शरीर छोड़ा था, तो कह रहे थे कि मैंने बाबा को कह दिया कि बस बाबा अब नहीं, मैंने, अब मैं आपको भी छोड़ रही हूँ, ठीक है, अब शी सेड कि अब मैं नहीं, अब ब्राह्मण, ठीक है। पर कहते बाबा मुझे नहीं छोड़ रहा, और कहते कि जैसे उसने, और कहते हमने किसी से अपने पास्ट लाइफ के बारे में पूछा ना, तो उन्होंने कहा आपने किसी जन्म में काशी कलवट ली है। काशी कलवट जो बाबा भी मुरलियों में बताते हैं कि परमात्मा के लिए अपना सिर देना, वो भक्ति में करते होते थे ना, एक कुआ था, उसके कुएं के नीचे शिवलिंग था, तो वो भक्त क्या करते होते थे, वो अपना सिर ऐसे कटता था और वो शिवलिंग पर जाता था। तो कहते क्योंकि आपने काशी कलवट ली हुई है किसी जन्म में, और वो बाबा कहते ना, वो मेरे सच्चे भक्त थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्ति, उनको तो पता नहीं था अपनी, तो कहते अब वो अब परमात्मा आपको, और कहते मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मुझे नहीं छोड़ता। तो सच में अभी ऐसा अनुभव होता है कि पता नहीं क्या हमारा गहरा रिश्ता, कितनी भक्ति, आज भी कहा ना कितनी भक्ति की तुमने, कितना, कि बाबा हमें मिल गया, हमारा बाप अब हमें मिल गया। वे तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है, मतलब जो हमारे 84 बर्थ्स है ना, उसका फाउंडेशन ये ब्राह्मण जन्म है। जो भी हमने इस ब्राह्मण जन्म में, ठीक है,
जो भी संस्कार हमने बना लिए, जो भी हमने सेवा की, जो भी पार्ट प्ले किया, वो फाउंडेशन बन जाएगा हमारे बाकी सारे 84 बर्थ्स का। तो सोचो कितना महान, कितना इम्पोर्टेंट ये जन्म है, और इसकी एक एक घड़ी, एक एक सेकंड कितनी इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से ये डाल डालियां विस्तार को पाती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। एक सेकेंड दीजिए। ओके तो बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से ये टाल टालियां विस्तार को पाती है। हम 84 जन्मों में क्या पार्ट प्ले करेंगे, कहाँ कहाँ हमारे क्या संस्कार रहेंगे, उस सब का फाउंडेशन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज हैं। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध राजस्व यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अभी हम गए थे ना, वैसे हमने पहले भी देखी है, एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी बनी है द लाइट। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज देखना। वो जो बाबा भी बता रहे हैं ना कि कैसे ब्राह्मण आत्माओं ने इसकी रचना की, वो निर्माता है। तो जो भी अभी मधुबन में, पहले थिएटर में भी थी, अभी मधुबन में लगी हुई है, ठीक है। तो कोई भी मधुबन जाए आप में से, तो आप लोगों को मूवी जरूर देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। आई एम श्योर, आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर शायद वो यूट्यूब पर आ जाए, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, अभी उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स रखे हुए हैं। बहुत सुंदर मूवी है। तो ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध राजस्व यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली है। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली है, क्योंकि दुनिया और परमात्मा के जो बीच का कनेक्शन है वो हम आत्मा ही है ना। तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी, हमारी स्थिति थोड़ी सी भी हिलती है ना, तो पूरे झाड़, पूरे संसार की स्थिति बाबा कहते हिलती है, क्योंकि तुम ही अपनी स्थिति द्वारा परमात्मा का बाकी आत्माओं को, उनके साथ मिलन, उनका साक्षात्कार, उनके साथ उनको प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो बाबा कहते, परमात्म हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाले हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं, अमर कथा कर अमर बनाने वाली हैं। समझा कितने महान और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, इसीलिए पूर्वज हो। जैसे पूर्वज
वैसी वंशावली बनती है, साधारण नहीं हो। परिवार के जिम्मेवार वे कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद की जिम्मेवारी नहीं है। आप सब ये नहीं सोचो कि हम चार लोगों के हमारा जो परिवार है उसकी जिम्मेवारी है। नहीं, बाबा कहते हैं आप पूरे संसार की जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। परिवार के जिम्मेवार वे कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद के ही जिम्मेवार नहीं हो। विश्व की आत्माओं के आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो। बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपने लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला, इसी कलाबाजी में ही समय लगाते हो, वे ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। पुरुषार्थ की कमाल पर ये करेंगे, ऐसे करें करेंगे कि तीर निशान अंदाजी करते रहते हैं। निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। वे निशान का अंदाज करते रह जाते, अब करेंगे ऐसे करेंगे, ये निशान का अंदाज करते, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाते। ब्राह्मण आत्माओं का हर संकल्प जो है ना, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। वो संकल्प करते हैं और सारी कायना, सारी प्रकृति उसको पूर्ण करने में लग जाती है। जैसे ना शिवानी दीदी वहां मिले ना आईटी रिट्रीट में, तो दीदी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। कह रहे थे मैं लास्ट वीक ना यूएस में थी, अमेरिका में थी। तो कहते हमने ना एक इवेंट के लिए, और कहते मेरी हैबिट है मैं हर जगह जो भी इवेंट होता है मैं हाफ एन आवर पहले पहुंच जाती हूँ। हाफ एन आवर पहले पहुंच के वहां पे वाइब्रेशंस योग करती हूँ, ठीक है एकदम हमेशा। कहते मैं हर इवेंट में हाफ एन आवर पहले। कहते वहां पर ना गूगल मैप्स में दिखा रहा था कोई एक्सीडेंट हो गया है, और हमने जहां पहुंचना था वो दिखा रहा था उसके गूगल मैप्स में दिखा रहा था कि 30 मिनट्स के बाद पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो कहते हम बैठे गाड़ी में, तो कहते मैंने बस ये कहा एक संकल्प क्रिएट करते हैं, हमने 3 o'clock पहुंचना था। कहते मैंने संकल्प क्रिएट किया कि हम 3 बजने के 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो कहते वहां पे एक भाई जो थे ना, वो कहते हंसने लगे, कहते ये अमेरिका है। दीदी कहते मुझे पता है कि ये अमेरिका है। कहते यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ठीक है आपने किया। कहते ठीक है। कहते मैंने कहा संकल्प करने में तो क्या कोई वो नहीं है ना, तो मैं तो अभी संकल्प करूंगी। तो कहते मैंने बाकियों को भी कहा, कहते उस भाई के अलावा बाकी सब जितने भी गाड़ी में बैठे थे ना, उन्होंने मेरे साथ ये संकल्प किया। और सिर्फ संकल्प नहीं किया, उसको फील भी किया कि हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। और कहते हुआ यूं कि हम 2:55 पर 5 मिनट पहले वहां उस स्टेडियम में जहां पे दीदी का इवेंट था पहुंच गए थे। और कहते ऐसे कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो जैसे हम जा रहे थे वो एक्सीडेंट से रास्ता खुल गया और हमें ट्रैफिक। संकल्प द पॉइंट इज दैट, बाद में दीदी ने ये भी कहा, कहते इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज हमारी इम्पॉसिबल। पर उस समय वो पूरा दौरान में मैंने पैनिक क्रिएट नहीं किया, ना गाड़ी में किसी बैठे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने पैनिक क्रिएट किया। पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वो जो ड्यूरेशन थी उस ड्यूरेशन में हम लोग बड़े निरसंकल्प, बड़े रिलैक्स, सब ये फीलिंग पे बैठे थे कि हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो टाइम है उसमें हम नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, या दूसरों को भी जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी करो ऐसे करते ना, जल्दी चलाओ, ठीक है एकदम जल्दबाजी करते हैं। सिर्फ एक संकल्प, मुझे जहां पहुंचना है मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, और जब पहुंचूंगी वो ही राइट टाइम होगा। मैं तो ये कहती हूँ जब पहुंचूंगी दैट विल बी द राइट टाइम। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे संकल्प पूरे सृष्टि की है ना पालना कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हो जाएगा, जो संकल्प करें वो सिद्ध हो। ब्राह्मण आत्माएं
निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा निशाने पर ही स्थिति होती है। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही, सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। ब्राह्मणों का विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। सारा बोझ अपने ऊपर, ये करना है वो करना है। तो बाबा कहते, ब्राह्मणों का विजय का खेल और क्षत्रियों का सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या को समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण समाधान स्वरूप है और क्षत्रिय हमेशा बोझ उठाते रहते हैं, एक समस्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना, क्षत्रिय क्या करते? इस कहानी का है, चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली निकालते तो कुछ आ जाता। ऐसे लाइफ में ये खत्म हुआ वो प्रॉब्लम आ गई, वो खत्म हुई ये शुरू हो गया, ये खत्म हुआ, तो क्षत्रिय हमेशा प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं। तो बाबा कहते, आज धन की समस्या, कल मन की समस्या, परसों तन की, फिर संबंध वालों की, मेहनत में ही लगे रहते हैं। सदा कोई ना कोई कंप्लेन जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। प्लीज अंडरलाइन, संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम परमात्मा के दिल पर आराम करने का समय है। किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौत से दिल तख्त पर रहो। हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दादी तो कहते हो। हे बाबा हे दादी दादी कुछ सुना, कुछ करो, ये हैरान होना है। आराम से रहने का युग है, रूहानी मौज करो। रूहानी मौजों से ही सुहावने दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करनी है। गाओ नाचो फिर मुरझाओ नहीं, जो हम लौकिक में कहते हैं आज तो दिवाली, आज बहुत बहुत, और कल फिर से फुस। ऐसे नहीं बाबा कहते, विनाशी नहीं, परमात्म मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कभी नहीं मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो। परेशान क्यों होते हो? बाबा कहते, किस बात के लिए परेशान हो? कोई ऐसी चीज है जिसका ज्ञान बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को ना दिया हो? चाहे तन का रोग है, चाहे मन का है, चाहे धन का है, चाहे संबंध का है, सारी सोल्यूशंस दिए हुए। बाबा कहते ये आराम करने का है। फिर 84 जन्म खेल खेलना है ना, अभी खेल को देखो, अभी खेल में इन्वॉल्व नहीं हो, अभी साक्षी होकर खेल को देखो। बाबा के दिल पर रहो, बाबा के गोद पर बैठकर झूलो। तो बाबा कहते परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो? क्योंकि शान से परे हो जाते तो चींटी बुद्धि तक चली जाती, बुद्धि योग विचलित कर देती। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा ना, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को छोटी सी बात, किसी ने कुछ कह दिया, बस अब तो मेरा योग ही नहीं लग रहा, अब तो मेरा योग ही नहीं लग रहा, विचलित कर देती है। बाबा कहते वैसे बुद्धि को विचलित कर देती। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती तो मूर्छित कर देती। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती। समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना, फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने खा पी कर जो बचाया होगा वह क्षत्रियो को त्रेता में मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है।
और दूसरा पूर क्षत्रियो को मिलता है। खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पूर में टेस्ट में बहुत अंतर होता है, ये तो जानते हो ना। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है, तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। इसलिए कहा कि महान आत्मा बनाए सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों को भी का भी पाठ है। अंत के समय में सारे संपत्तिवान बाबा के पास आएंगे, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पाठ है, समझा। फिर बाबा ने यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है आगरा। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है, जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि ये तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, ये वंडरफुल नहीं तो अब तक किसी ने नहीं किया, वे करके दिखाए तब कहेंगे वंडरफुल, समझा। विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए, हर सीजन में आते हैं। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे, नाजिर अर्थात इस नजर से देख सके, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे, समझा। विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है, आखिर वे भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं, जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है ना, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे, वे डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है ही नहीं, हम तो पहले से ही, बाबा ने मरजीवा जन्म दिया है, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना। अच्छा, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना, सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो अभी क्या करना है? सबने उड़ना है। सिर्फ एक दिन की दिवाली नहीं है हमारी, हर दिन हर घड़ी, ठीक है, बाबा के दिल पर बैठकर दिवाली मनानी है, ठीक है। ओके जी, किसी का कोई प्रश्न? शांति, ठीक है। तो अभी हमारे सेंटर में भी कुछ हैं बहन भाई, तो हम उनको देखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद आर रेगुलर मुरली क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। जो अभी जुड़े हैं वो रिकॉर्डिंग सुन ले, ठीक है। ओम शांति।